मुरादाबाद में प्रेमी जोड़ों से बदसलूकी, वैलेंटाइन डे पर पार्क में रोक कर किया परेशान, जबरन प्रेमिकाओं से बंधवाई राखी। मुरादाबाद में मंगलवार को वैलेंटाइन डे के दिन प्रेम का इजहार करना प्रेमियों को भारी पड़ गया। हिंदूवादी संगठनों ने पार्क में जाकर प्रेमी जोड़ों से बदसलूकी की, यहां तक युवतियों से प्रेमियों को जबरन राखी बंधवाई। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसे लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। पुलिस ने जानकारी होने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता भीड़ लेकर पार्कों की तरफ निकले, जो भी जोड़ा दिखा उससे बदसलूकी की। हर्बल पार्क में कई जोड़ों को परेशान किया, कई कार्यकर्ताओं को देखकर भागने लगे, प्रेमियों से की पूछताछ। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष रोहन सक्सेना के नेतृत्व में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का एक दल हर्बल पार्क पहुंचा था। इन्हें सूचना मिली थी कि हर्बल पार्क में कई प्रेमी जोड़े वैलेंटाइन डे मनाने पहुंचे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पार्क में पहुंचकर प्रेमी जोड़ों से बदसलूकी शुरू कर दी। प्रेमियों को उनकी प्रेमिकाओं से ही राखी बंधवा दी गयी। ऐसा तीन प्रेमी जोड़ों के साथ किया गया। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष रोहन सक्सेना ने मामले में सफाई दी। उन्होंने कहा कि पूछने के बाद राखी बंधवाई थी। हर्बल पार्क में घूमते मिले जोड़ों से जब उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया तो लड़कियों ने अपने साथ घूम रहे लड़कों को अपना भाई बताया, जिसके बाद उनके रिश्ते की पुष्टि के लिए लड़कों को राखी बंधवाई गई। किसी को भी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने की छूट नहीं दी जा सकती है। नारेबाजी करते हुए पार्क में पहुंची भीड़ देख सहमे लोग। दोपहर करीब 2 बजे 20 से अधिक बजरंग दल कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए हर्बल पार्क पहुंचे। जयकारा वीर बजरंगेश, जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। वहां मौजूद लोग इसे देखकर सहम गए। इसके बाद घूम घूम कर भीड़ ने पार्क में मिले जोड़ों को पकड़कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी।